उसने आज भी यार मैं पूछन हूँ स्कूल घास मंडी में आई हुई हूँ। यहाँ पर ये वैक्सीनेशन को लेकर एक प्रोग्राम आयोजित हुआ है जो यहाँ के प्रधान जी हैं, आइए मैं उनसे जानती हूँ और क्या क्या सहूलियत इन्होंने रखी है और जो भी प्रोग्राम है उसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए ये प्रोग्राम जो है RWA घास मंडी के प्रधान श्री नारायण गुप्ता जी की देखरेख में हो रहा है और मैं उप प्रधान राजेश प्रजापति हूँ। मेरे सहयोगी कोष अध्यक्ष राजेश चौधरी भी साथ में है और हमारे स्कूल की टीचर्स अध्यापक भी साथ में इस कार्यक्रम के लिए सहयोग कर रहे हैं और RWA की तरफ से प्रोग्राम हो रहा है। जो भी रिफ्रेशमेंट बांटा गया है वो दिल्ली सरकार की तरफ से और प्रधान जी के आदेश पे दिया गया है। और कितने लोगों को? देखिये उम्मीद है कम से कम आप 200 लोगों को वैक्सीन लगने लग जाएगी और ये हमारा कैंप 3 दिन चलेगा। मुझे उम्मीद है 600-700 लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। और अब तक कब से ये स्कूल वाले काम? ये स्कूल में तो हमारे यहाँ कम से कम काफी वर्षों से काम हो रहा है, मतलब महीने में 2 महीने में जो है कैंप लगते रहते हैं। अच्छा। कभी RWA की तरफ से जो है पहचान पत्र का लगता रहता है, आधार कार्ड का लगता रहता है, चेकअप हेल्थ चेकअप का लगता रहता है और मतलब हर प्रकार के महीने में 2 महीने में कैंप लगते रहते हैं RWA की तरफ से। हाँ उनको फ्रूटी दी जा रही है, ये फ्रूटी जो हमें दिल्ली सरकार की तरफ से मिली है और प्रधान जी के आदेश पे हम इनको वितरित कर रहे हैं। मैम आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीषा है, मैं स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हूँ। हमारे स्कूल फूलचंद दास जो हमारे प्रधान जी हैं वो RWA के प्रधान है और ये स्कूल भी उन्हीं का है, काफी पुराना अपना स्कूल है और ये ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर करवाते रहते हैं RWA के। अब ये 3 दिन का वैक्सीनेशन का कैंप यहाँ पर लगा है तो आसपास के सारे जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स यहाँ के अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। 3 दिन का यहाँ पर इन्होंने कैंप लगाया है और हमारे प्रधान जी ऐसे काम सारे कराते रहते हैं आसपास के। बताइए अभी आप। मैं अपने क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूँ कि आने वाले मतलब दिवाली के बाद में हमारे यहाँ 3 दिन का कैंप लगेगा आधार कार्ड का कैंप। अच्छा। और उसके बाद में हेल्थ चेकअप का कैंप लगेगा। अच्छा। फिर उसके 1 वीक बाद जो है पहचान पत्र का कैंप लगेगा। मैं अपने क्षेत्रवासियों से कहूंगा, निवेदन करूंगा कि वो आने वाले समय पे स्कूल पे RWA की तरफ से संपर्क में रहे ताकि ये काम कर। और मैं इस विद्यालय में योग अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ये स्कूल लगभग 78 साल पुराना है और आज के समय में जो इस विद्यालय के प्रधान है श्री नारायण गुप्ता जी, उनके संचालन में उनकी अध्यक्षता में जो RWA घास मंडी आटा किराड़ा का कार्य बहुत ही अनुकरणीय है और मैं लगभग 25-30 वर्षों से देख रहा हूं कि यह संस्था इस क्षेत्र के अंदर बहुत ही बड़े काम कर रही है। अभी अभी जो स्वच्छता का मिशन इन्होंने चलाया है क्लीन भारत के अंदर, उसके अंतर्गत जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। वैक्सीनेशन इस हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी स्वच्छता है कि हम कोरोना से स्वच्छ करें अपने देश को और जो हमें यह कार्य सौंपा गया है कि वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाएं, वैक्सीनेशन के प्रचार प्रसार करें, उस कार्य को करने में और वैक्सीनेशन को इस अपने क्षेत्र के बीच में एक एक घर घर तक पहुंचाने के संकल्प के साथ RWA घास मंडी आटा किराड़ा लगी हुई है। 3 दिन का वैक्सीनेशन का कैंप हमारे विद्यालय में चल रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि और भी नए कार्यक्रम नए आयोजन लेकर के जो जनता को इस क्षेत्र की जनता को आगे बढ़ाएगी, उनका मनोबल बढ़ाएगी और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य और उनके कल्याण का ध्यान रखेगी। नहीं, इस वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैं खुद भी लगा चुका हूँ। मेरे परिवार में मेरे पिताजी 92 वर्ष के हैं और मेरी माता जी 82 वर्ष की हैं, उनको भी हमने वैक्सीनेशन करवाया है और उनको कोई साइड इफेक्ट अभी तक तो देखने को नहीं मिला, कोई शिकायत नहीं है। पूरा भरोसा करिए इस वैक्सीनेशन पे, अपने देश पे भरोसा करिए और इस वैक्सीनेशन की गति को हर तरीके से आप लोग खुद तो वैक्सीनेशन कराइए ही, साथ ही अपने पड़ोस को, अपने बंधुओं को, भाइयों को, बहनों को सबसे कहिए कि वो लोग वैक्सीनेशन के लिए सामने आए और पूरे भरोसे के साथ वैक्सीनेशन को लगवाए और कोरोना को इस देश से